आइफा 2018 की शाम काफ़ी यादगार रही, जहां हमने कई बॉलीवुड सेलेब्स को एक साथ आते देखा आइफा के ग्रीन कार्पेट पर। जैसे ही अवार्ड विनर्स की लिस्ट अनाउंस हुई, सभी अवार्ड विनर्स ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन जब बारी आई बोनी कपूर की, तो वो स्टेज पर काफी इमोशनल हुए जब उन्होंने अपनी पत्नी श्रीदेवी की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने पहुंचे उनकी आखिरी फिल्म मॉम के लिए। बोनी काफी इमोशनल हुए अवार्ड लेते वक्त, और उनके बड़े बेटे अर्जुन कपूर उनके बाजू में ही खड़े थे बोनी कपूर को संभालने के लिए। मॉम ये फिल्म से श्रीदेवी ने 300 फिल्मों का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी को दुबई के एक होटल रूम में अचानक डूबने से हुई। उनकी अचानक मृत्यु ने सारे देश को हिला कर रख दिया। बॉलीवुड की कुछ और खास खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।